दोस्तों, आजादी से लगभग एक वर्ष पहले की बात है। अंग्रेज भारत को आजाद करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। वे चाहते थे कि आजादी से पहले भारत में एक अंतरिम सरकार का गठन कर लेना चाहिए, जिसको वे देश का शासन सौंप सके। कांग्रेस चाहती थी कि देश का प्रधानमंत्री सरदार पटेल बने। दूसरी ओर महात्मा गांधी अपनी जिद पर अड़े हुए थे कि अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ही बनेंगे। बाद में वोटिंग करवाई गई, जिसमें बहुमत पटेल को ही मिला था। 15 प्रांतीय कांग्रेस की कमेटियों में से 12 ने पटेल को ही वोट दिया था। लेकिन दोस्तों, गांधी जी की जिद के आगे किसी की भी नहीं चली। उन्होंने पटेल को इस्तीफा दिलवा दिया था और अंत में 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन कर दिया गया, जिसके प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को ही बनाया गया। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि सरदार पटेल के पास बहुमत होते हुए भी गांधी जी ने उनको प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया, जवाहरलाल नेहरू को देश के प्रधानमंत्री बनाने के पीछे उनका क्या उद्देश्य था। साथ ही जानेंगे सरदार पटेल जनता के बीच इतने लोकप्रिय क्यों थे। तो आइए दोस्तों, इतिहास के कुछ नए पन्नों को पलट कर देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप रॉयल टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। यदि हमारा ये वीडियो रिपोर्ट अच्छा लगता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करिएगा। दोस्तों, दिन था 29 अप्रैल 1946 का, जब कांग्रेस के नए अध्यक्ष के लिए चुनाव करवाए जाते हैं। इससे पहले ये तय किया गया था कि जो कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा वही आगे चलकर देश का अंतरिम प्रधानमंत्री होगा। महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि अन्य सभी पार्टी के मेंबर सरदार पटेल को कांग्रेस की 15 प्रांतीय कमेटी अपना वोट कर देती है, जिसके बाद गांधी जी चकित हो जाते हैं। वह नेहरू से कहते हैं कि आपको तो एक भी वोट नहीं मिला, जबकि कुल 15 में से 12 वोट पटेल को मिले हैं। हालांकि इस बात का सभी को पता था कि गांधी जी नेहरू को ही अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, फिर भी कांग्रेस की प्रांतीय कमेटियों ने पटेल को ही वोट दिए थे। गांधी जी ने तुरंत पटेल को इस्तीफा दिलवा कर नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष घोषित कर दिया। दोस्तों, सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू दोनों ही गांधी जी के परम शिष्य थे, इसलिए तो पटेल ने बिना कुछ कहे गांधी जी का आदेश मान लिया था। गांधी जी ने पटेल की जगह नेहरू को अध्यक्ष क्यों बनाया था, इस बात को जानने से पहले आपको गांधी जी और पटेल के संबंध के बारे में कुछ बताता हूँ। 31 अक्टूबर 1875 में नडियाद में जन्मे सरदार पटेल बचपन से ही बड़े ही होनहार थे। लंदन से लॉ की पढ़ाई करने के बाद भारत लौटकर गुजरात में जाने माने वकील बन गए। उनके कई साथियों ने उनको गांधी जी के बारे में बताया, लेकिन शुरू में पटेल गांधी जी को बिल्कुल नहीं मानते थे और वे उनके विरोधी थे। बाद में चंपारण और खेड़ा किसान आंदोलनों से वे बड़े ही प्रभावित हुए और गांधी जी से मिलने के लिए निकल पड़े। गांधी जी की सादगी देखकर वे बड़े ही प्रभावित हुए। उन्होंने भी अपना कोट पैंट त्याग करके साधारण भारतीय पोशाक धारण कर ली थी। बाद में गांधी जी के कहने पर वह बारादोली गए और वहां के किसान आंदोलनों का नेतृत्व किया। साल 1928 में हुआ यह एक बड़ा किसान आंदोलन था। उस वर्ष भयंकर अकाल के बावजूद अंग्रेजी सरकार ने किसानों पर 30% लगान बढ़ा दी थी, जिसको वहाँ के किसान किसी हालत में नहीं दे सकते थे। उनकी दशा बड़ी खराब थी। सरकार ने यह कह दिया था कि यदि किसान ये लगान नहीं देते हैं तो उनकी जमीन छीन ली जाएगी। पटेल ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। आंदोलन बड़ा ही सफल रहा और फिर इसके आगे अंग्रेजों को झुकना पड़ा। उन्होंने किसानों की बढ़ी हुई लगान माफ कर दी थी, जिससे वहाँ के किसान पटेल से बड़े खुश हुए। पहली बार बारादोली की महिलाओं ने ही पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल कहलाए थे। बाद में पटेल गांधी जी के साथ मिलकर स्वतंत्रता आंदोलन में पड़े थे। वे गांधी जी के बड़े शिष्यों में से एक थे, तभी तो उन्होंने गांधी जी के कहने पर अध्यक्ष पद त्याग दिया था। अब हम समझते हैं कि गांधी जी ने भारी विरोध के बाद भी नेहरू को पहले अध्यक्ष और फिर अंतरिम प्रधानमंत्री क्यों बना दिया था। गांधी जी का कहना था कि जहां पटेल अपनी कूटनीति और दृढ़ निश्चय के लिए जाने जाते हैं, वहीं नेहरू आकर्षक व्यक्तित्व और उदारता के लिए जाने जाते हैं। विदेश में लोग जितना नेहरू को जानते हैं उतना पटेल को नहीं। नेहरू अपनी अंग्रेजियत के कारण विदेशों में ज्यादा ही चर्चित थे। देश से बाहर बड़े बड़े लोगों से उनका अच्छा संबंध था। वह गजब के वक्ता थे, जबकि पटेल को देश की भीतरी जानकारी अच्छी थी। गांधी जी चाहते थे कि नेहरू देश के प्रधानमंत्री के रूप में पटेल की अपेक्षा ज्यादा कारगर होंगे, जबकि पटेल गृह मंत्री के रूप में देश की भीतरी स्थितियों को संभालेंगे। गांधी जी को लगता था कि नेहरू का अंग्रेजों के साथ अच्छा तालमेल होने के कारण वह सत्ता हस्तांतरण को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि जिस समय हुकूमत अंग्रेजों के हाथों से ली जा रही हो, उस समय कोई दूसरा व्यक्ति नेहरू की जगह ले भी नहीं सकता था। क्योंकि दोस्तों, नेहरू जी में भारतीय होने के साथ साथ गुण अंग्रेजों के ही थे। नेहरू हैरो के विद्यार्थी, कैम्ब्रिज के श्राद्ध तक लंदन के बैरिस्टर होने के कारण अंग्रेजों को बेहतर ढंग से संभाल सकते हैं। गांधी ने यह सही कहा था, क्योंकि हकीकत में बाहर भारत की आजादी की लड़ाई में नेहरू जी का नाम गांधी जी के बाद लिया जाता था, यानी कि सभी लोग नेहरू को ही गांधी जी का उत्तराधिकारी समझते थे। न केवल यूरोपीय बल्कि अमेरिका में भी ऐसा ही माना जाता था, जबकि पटेल को बाहर कोई नहीं जानता था। लंदन में बड़े बड़े अफसरों के बीच नेहरू की चर्चाएं होती थी। तमाम वॉयसराय, क्रिप्स जैसे अंग्रेज अफसर नेहरू जी के दोस्त थे, उनसे नेहरू जी की निजी बातें होती थी।
उस समय हमारा देश दो भागों में बटा हुआ था। पहला भाग जहां पर सीधा अंग्रेजों का शासन था, दूसरा भाग जहां देसी राजे रजवाड़ों का शासन था। अंग्रेजों ने 3 जून 1947 को उन देसी राजाओं और रजवाड़ों को खुली छूट दे दी थी कि वे चाहे तो भारत में रहे, चाहे तो पाकिस्तान जाए या फिर स्वतंत्र रह सकते हैं। इस घोषणा से देश के सामने बड़ी मुश्किलें खड़ी हो गई। उस समय भारत में 565 रियासतें थी जिनको भारत में मिलाना कोई हंसी खेल नहीं था। गांधी जी के अनुसार ये काम केवल पटेल ही कर सकते थे, इसलिए उनको देश का गृह मंत्री बनाया गया। सरदार पटेल ने वीपी मेनन के साथ मिलकर लगभग सभी रियासतों को शांतिपूर्वक तरीकों से भारत में शामिल कर लिया था। कुछ रियासतें जो भारत में मिलने से आनाकानी कर रही थी, उनको पटेल ने शक्ति और अपनी कूटनीति से शामिल कर लिया था, इसलिए तो उनको लोहा पुरुष के नाम से जाना जाता है। इतने बड़े कार्य को उन्होंने बिना किसी खून खराबे की शांति से कर दिखाया था। गांधी जी ने पहले ही कह दिया था कि पटेल और नेहरू भारत सरकार रूपी बैलगाड़ी के दो बैल है, क्योंकि पटेल देश के अंदर अच्छा काम कर सकते थे, जबकि नेहरू देश के साथ साथ बाहरी यानी कि विदेशी संबंधों को अच्छा कर सकते थे। गांधी जी का ये भी मानना था कि दोनों ही मिलकर देश को जिस ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं वह काम और कोई नहीं कर सकता है। इसलिए तो उन्होंने पटेल को देश की एकता के लिए देसी रियासतों को इकट्ठा करने का काम दिया था, जिसको उन्होंने बड़े ही अच्छे ढंग से कर दिखाया। जो देसी रजवाड़े हैदराबाद, कश्मीर, जूनागढ़ और जोधपुर भारत में मिलने से आनाकानी कर रहे थे, उनको पटेल ने अपनी शक्ति दिखाते हुए भारत में मिला दिया था। दोस्तों, नेहरू और पटेल दोनों के स्वभाव में कुछ अंतर था जो कि राजनीति में बड़े मायने रखते थे। नेहरू बड़े ही आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी थे, साथ ही उन्हें हिंदी और अंग्रेजी लिखने और पढ़ने में गजब की महारत हासिल थी। वे बड़े ही उदार हृदय के व्यक्ति थे, जो एक बार उनसे मिल लेता था बस उनका हो जाता था। इसी कारण तो वे बड़े लोकप्रिय थे। वे भावुक और सौंदर्य प्रेमी भी थे। लेकिन दोस्तों, पटेल का स्वभाव अलग था। उनका स्वभाव थोड़ा सख्त और रूखा था, मगर व्यवहार के कुशल थे, लेकिन उतना ही मोहफट। बड़े ही शांत स्वभाव के थे, लेकिन हिसाब किताब में उतने ही माहिर थे। इन सब के अलावा सरदार पटेल जोड़ तोड़ में भी बड़े ही माहिर थे। किसी को कैसे समझाना है इसके बारे में तो वह बड़े ही ज्ञाता थे। इसलिए तो 565 रियासतों को उन्होंने एक सूत्र में पिरो दिया था, जबकि नेहरू जी में इसका अभाव था। नेहरू जी बड़े अच्छे वक्ता थे, अपने भाषण से वे लोगों का दिल जीत लेते थे, जबकि पटेल को भाषणबाजी से बड़ी चिढ़ थी। वे लोगों को खरी बातें सुना देते थे, चाहे उनको कितनी भी बुरी लगे। इसी कारण तो देश के मुसलमान उनसे नाराज थे। उनके मन में किसी जाति या धर्म विशेष को लेकर कोई भी द्वेष नहीं था, लेकिन खरी खरी बातें बोलने के कारण कुछ लोग उनसे नाराज हो जाया करते थे। नेहरू के मन में जहां आधुनिक हिंदुस्तान और धर्मनिरपेक्ष हिंदुस्तान का सपना था, वही पटेल देश हित और राष्ट्रीय हितों पर अधिक बल देते थे। दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल दोनों ही महात्मा गांधी को अपना गुरु मानते थे। साथ ही नेहरू से पटेल को कोई शिकायत नहीं थी। लेकिन आज सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म पर हमें ये सुनने को मिलता है कि गांधी जी ने जबरदस्ती नेहरू को पीएम बना दिया था। नेहरू और पटेल में बड़ी ही मित्रता थी। 15 सितंबर 1950 को जब हार्ट अटैक से पटेल की मौत हो जाती है, तो नेहरू बड़े दुखी होते हैं। उनकी मौत के बाद उनके बच्चों की जिम्मेदारी नेहरू जी ने ही ली थी। यहाँ तक कि नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी से भी अधिक पटेल के बच्चों का ध्यान रखा जाता था। भारत के प्रथम आम चुनाव 1952 में नेहरू जी ने पटेल के दोनों बच्चों को संसद की टिकट दिलाई थी, जबकि नेहरू के जीते जी इंदिरा गांधी को कभी भी राजनीति में नहीं लाया गया। तो दोस्तों, आज हमारे बीच में न तो नेहरू है और न पटेल। दोनों ने ही मिलकर आजादी की शुरुआत में देश को जो मजबूती प्रदान की थी, उसी पर आज भारत मजबूती से खड़ा है। सरदार पटेल को मरणोपरांत देश का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न दिया गया। पटेल के जन्म को राष्ट्रीय एकता दिवस और चाचा नेहरू के जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐसी आजादी की दीवाने महान नेताओं को रॉयल टीवी इंडिया की तरफ से नमन। दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? आप सरदार पटेल और नेहरू के योगदान के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।